चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ और सनसनीखेज खबर है वाराणसी से। कक्षा 9 के छात्र ने आत्महत्या कर ली है, वहां परिजनों ने वाइस प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में 5 छात्र पढ़ता था। लंका थाना इलाके के सिर गोवर्धनपुर का सारा मामला है, बड़ी खबर। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में यह छात्र पढ़ता था, 9वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या की है। परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है वाइस प्रिंसिपल पर, बड़ी खबर। वाराणसी से बड़ी और सनसनीखेज खबर, कक्षा 9 के छात्र ने आत्महत्या की, परिजनों ने वाइस प्रिंसिपल पर छात्र की प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में यह छात्र पढ़ता था, परिजनों का आरोप है कि प्रताड़ित किया गया वाइस प्रिंसिपल के द्वारा। सारा मामला है लंका थाना इलाके के सिर गोवर्धनपुर का, बड़ी खबर वाराणसी से। यह बड़ी अपडेट, 9वीं के छात्र के आत्महत्या करने की खबर मिल रही है वाराणसी से। वाइस प्रिंसिपल पर इस मृतक छात्र के परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है, स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं ना मम्मी भी है, मम्मी को जानते हो ना, बहुत फ्रेंडली, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हमसे, तो वो हमें कुछ डांटते नहीं है, वो हमें इनकरेज करते हैं किसी भी गलत काम पे, और वो हमें बस इतना बोलते हैं अगली बार से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं से बोला दीदी मैं स्कूल ड्रेस दिन भर नहीं धो पाया, हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल ड्रेस धुल के फैला के आता हूँ। मैं बोली ठीक है फैला के आ जाओ, बोला 10 मिनट लगेगा, मैं बोली ठीक है। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे, मेरी नींद लग गई, मैं सो गई। रात को 1 बजे के करीब लगभग घर में चूहे हैं तो किचन में गड़बड़ गड़बड़ करे, तो मम्मी की आदत है कि हर रोज़ एक बार हम लोग को जाके रात में चेक करती है वो, तो वो उसी टाइम हम लोग को चेक करने गई, बट भाई नहीं था तो ऊपर गई वो, ऊपर से दौड़ते दौड़ते चिल्लाते चिल्लाते आई, फिर मैं गई तो देखी मेरा भाई लटका हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था, इवन अगल बगल वाले अड़ोसियों को भी पता नहीं चलता था कि वो कब आता है कब जाता है। स्कूल में बिल्कुल अकेले रहता था, कोई उसका फ्रेंड नहीं था। कल मेरा पीटीएम है, मुझको बड़ी खबर। मृतक लड़के की बहन की बात आप सुन रहे थे, सारी सारी बात बयान की उसकी बहन ने। और अभी इस वक्त हमारे संवाददाता, वाराणसी संवाददाता नीतीश पांडे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीतीश, हमने कुछ बातें जरूर सुनी लेकिन पूरी बात क्या है, ये पूरा प्रकरण क्या है, कब सामने आया है, पुलिस क्या कह रही है, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, सब विस्तार में बताएं। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो आरोप है उन आरोपों के आधार पर जो चीजें सामने आई है वो शर्मनाक है, शर्मनाक है पुलिस और शर्मनाक है उस व्यवस्था के लिए जो इस पूरे विद्यालय के तंत्र में है। आखिर कोई छात्र अगर वीडियो वहां पर अपने स्कूल में मोबाइल लेकर जाता है, मोबाइल को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उसे फटकार लगाई जाती है, 7 दिनों के लिए जो छात्र है उसको सस्पेंड किया जाता है, और उसके बाद छात्र सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद जो उसके परिजन है वो आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो उसे फटकार लगाई गई है, जो उसका मोबाइल लिया गया है स्कूल प्रबंधन द्वारा, वो बड़ा कारण है इस पूरे आत्महत्या के पीछे। हालांकि ये जांच का विषय है लेकिन जो आरोप है उन आरोपों के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और चूंकि मैं जब तक यहाँ पर, चूंकि मैं भी जाता रहता हूँ केंद्रीय विद्यालय में, और केंद्रीय विद्यालय ये चूंकि जो शिक्षक है उनका व्यवहार अपने छात्रों से कहीं भी ठीक नहीं है, ये पहला मामला नहीं है कि जब छात्र और छात्र शिक्षकों पर कोई ऐसे आरोप लगाए कि जो कि उनके द्वारा किया गया हो। अक्सर छात्र वहाँ पर आरोप लगाते हैं लेकिन मामला बीएचयू केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा होता है, जो परिजन है वो अपने छात्र के, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए वहाँ पर प्रयास करते हैं, इसलिए चुप हो जाते हैं। लेकिन जब इस छात्र ने, सिर गोवर्धनपुर के छात्र ने सुसाइड किया, तो उसके परिजनों का आक्रोश और दर्द आप कैमरे पर देख रहे होंगे, किस तरह से बहन पूरी व्यथा को बयान कर रही है और बता रही है कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे क्या हो सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस और कानून व्यवस्था
व्यवस्था, क्या जो अध्यापिका है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, और करती है तो किस स्तर पे करती है जिससे आगे इस तरह की घटना सामने ना आए। लेकिन लेकिन नीतीश बिल्कुल, छात्र था कक्षा 9 का छात्र था, उसको इस तरह की घटना को अंजाम देना पड़ा। सोचिए किस तरह की मानसिक स्थिति में वो छोटा बच्चा कक्षा 9 का पढ़ने वाला छात्र रहा होगा और किस तरह से उसको प्रताड़ित किया होगा तब उसने ऐसा कदम उठाया होगा। एक बार नीतीश, आरोप जो है परिवार के परिजनों के उसको संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं, वाइस प्रिंसिपल पर जो प्रताड़ना का आरोप है। राजेंद्र जी, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 7 दिन के लिए इस स्कूली छात्र को सस्पेंड किया गया था। स्कूल की अध्यापिका द्वारा मोबाइल ले जाने पर फटकार पड़ी थी, उसका मोबाइल ले लिया गया था। उसके बाद छात्र कई बार उस मोबाइल को पाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन न तो मोबाइल मिला और न ही उस छात्र को कोई सांत्वना दी गई। अक्सर जो छात्र होते हैं स्कूलों में होता है, अगर शिक्षक ने कोई ऐसी प्रताड़ना या ऐसी डांट कर दी तो उसके बाद खुद शिक्षक के मन में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो अपने छात्र को कहता है कि बेटा अगली बार से ये गलती मत करना। ये चीज होनी चाहिए, न कि आप उसको प्रताड़ित करते हैं। अगर ये जांच में सामने आती है सही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो आरोप है वो निराधार नहीं मालूम पड़ रहे। जो व्यक्ति पीड़ित है, किसी के घर पे मृत्यु हुई है, इकलौता घर का इकलौता बेटा था, उसने आत्महत्या कर ली और उसके बाद उसकी बहन ने आगे आकर ये सारी बातें बताई है, तो निश्चित तौर पे शर्मनाक है केंद्रीय विद्यालय BHU के प्रबंधन के लिए। और देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन ऐसे शिक्षक के खिलाफ, ठीक है नीतीश, बिल्कुल देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस और प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इधर उत्तरकाशी के एक होटल में मर्डर का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। हेल्पर ने अपने सहयोगी का मर्डर किया, शराब के नशे में अपने सहयोगी को नदी में फेंका और CCTV वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, उत्तरकाशी के एक होटल में मर्डर का सनसनीखेज वीडियो सामने आ रहा है। हेल्पर ने अपने सहयोगी का मर्डर किया है, नदी में फेंका। उत्तरकाशी का यह वीडियो है सनसनीखेज। हेल्पर ने अपने सहयोगी का मर्डर किया, नदी में फेंका उसके। मर्डर CCTV में कैद हो गया। उत्तरकाशी में उसे नदी में फेंका हेल्पर ने अपने साथी को, और देखिए वापस। ये सनसनीखेज मामला उत्तरकाशी का। एक बार आप फिर से देखिए, गिरफ्तार कर लिया गया है इस हेल्पर को इस CCTV फुटेज की मदद से, जो बहुत साफ दिखा रहा है कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, अपने साथी की हत्या को। ये देखिए आप, बहुत साफ देखा जा सकता है, और उसके बाद नदी में फेंक दिया गया। CCTV में ये पूरा हत्याकांड कैद हो गया और पुलिस ने इस मर्डर को, इस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ऑनलाइन पर। दिग्वीर, इन दोनों का आपस में क्या संबंध था और ये बिल्कुल ठीक कब की घटना है, क्या मामला था इसके पीछे? जी देव, आपको बता दें ये घटना आज सबसे पहले सामने आई है और सब शर्मनाक घटना है। तो जिस तरह से जो मामला दिख रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि एक होटल में दोनों लोग काम करते थे, एक उस्ताद के रूप में एक हेल्पर के रूप में। तो हेल्पर जो कि उस्ताद हेल्पर को बार बार किसी भी काम के लिए डांट फटकार करता था, तो इसी की रंजिश को लेकर जो हेल्पर ने उसे शराब का झांसा देकर शराब पिलाई है, और उसके बाद मुख्य बाजार होते हुए जो कि केदार घाट पे पहुंचे हैं, और जो कि फोटो लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, और फोटो लेते जब वो उन्हें पास लिखा, आप फोटोग्राफ्स में देख रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से उसे कंधों पे हाथ रख के उसे नदी किनारे ले जा रहा है। तो नदी किनारे ले जाते उसने दोनों पांव उसके उठा के और नदी में उसको सीधे फेंक दिया। तो इसी मामले को लेकर जब अगले दिन जब होटल मालिक ने जब जानकारी चाही, तो उसके बाद उन्होंने उसकी गुमसुदी थाने में दर्ज कराई, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया, तो खोजबीन शुरू हो गई। तो वहीं पे केदार घाट पे CCTV लगे थे, तो CCTV लगने के बाद पुलिस को CCTV फुटेज हाथ पे लग गए, तो
जो आरोपी है, जो हेल्पर था, वो साथ में मालिक के थाने में रिपोर्ट लिखाने गया था ताकि मुझ पर कोई शक ना कर सके। तो इसी कारण जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो आज पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया और जेल जो विवेचना चल रही है उसकी कार्रवाई आगे चल रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका दिग्वीर सिंह बिष्ट, विस्तार में आपने सारा प्रकरण हमारे दर्शकों के सामने रखा, इस हत्याकांड के पीछे की वजह को बताया आपने और सीसीटीवी में ये सारा मर्डर कैद हो गया, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, गिरफ्तार कर लिया गया है इस हेल्पर को। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से ही है, वहां के चंपावत में दबंगों का कहर सामने आया है, 9 युवकों को सरेआम सड़क पर सजा दी गई, मामूली सा विवाद था और उसके बाद सरेआम सड़क पर नाक रगड़वाई गई। कुछ दिन पहले दो पक्षों में मारपीट हुई थी, दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद भी सरेआम सजा दी गई। चंपावत का मामला उत्तराखंड का, मामूली सा विवाद था उसके बाद सरेआम सड़क पर नाक रगड़वाई गई। संज्ञान में भी आया है कि कुछ जो लोकल के लोग थे और एक जो दुकानदार थे उनके बीच में आपस में कुछ हाथापाई हुई थी, तो उसमें जो दुकानदार थे उनके द्वारा FIR रजिस्टर करवाई गई। उसमें 4-5 लड़के थे जो यहीं लोकल के यहाँ ढकना बडोला साइड के, तो उनके खिलाफ जब FIR दर्ज हुई तो जो लड़के थे लड़ाई करने वाले उनके परिजनों द्वारा ही एक तरह से माफ़ी मांगी गई, ऐसा हमें सुनने को आया कि माफ़ी मांगी गई, लेकिन माफ़ी मांगने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। तो इसमें हम भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि मतलब ये किस वजह से हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। सीओ साहब कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी गई, जिसे आप नाक रगड़ते हुए देख सकते हैं। हमारे संवाददाता अनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर है। अनुज, सच्चाई क्या है? जी, ये जो मामला है ये बताया जा रहा है चंपावत मुख्यालय का ही, और ये आज से एक दो दिन पहले का मामला है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला उजागर हुआ, जिसमें आप साफ देख सकते हैं वीडियो में कि 8 से 9 नवयुवक हैं जिनको सड़े रहा नाक रखवाई जा रही है, कान पकड़वाए जा रहे हैं और ये सब कुछ एक माफी के नाम पे हो रहा है। और ये एक तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना एक सामने आई है चंपावत में, और फिलहाल पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई की बात कह रहा है, जांच की बात कह रहा है। अब ये देखना होगा कि मानवता को संसार करने का और एक नवयुवक के मन में एक कुंठा डालने का एक तरह से कार्य किया जा रहा है, जो इस पर आगे क्या कार्रवाई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनुज। चंपावत में दबंगों का कहर आप देखिए, 9 युवकों को सरेआम सड़क पर सजा दी गई। अगली बड़ी खबर गाजीपुर से है, मुख्तार अंसारी के गुर्गे भीम सिंह की संपत्ति कुर्क कर ली गई है, प्रशासन ने भीम सिंह की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। लखनऊ में चल रही कुर्की की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत भीम सिंह की यह संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर से बड़ी खबर, भीम सिंह की 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है प्रशासन के द्वारा लखनऊ में। केदार सिंह निवासी रामनाथपुर नाना करंडा जनपद गाजीपुर के मौजा बवेड़ी स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। सुनो, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के ISI 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह पुत्र स्वर्गीय केदार सिंह निवासी रामनाथपुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर के मौजा बवेड़ी स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। देखिए, जनपद में माफिया राज और गुंडा राज खत्म करने हेतु लगातार अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। जो पूर्व में पंजीकृत एक गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें भीम सिंह जो मुख्तार अंसारी गैंग का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है उसके खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट में आज कार्रवाई की जा रही है। 4 करोड़ रुपये की उसकी संपत्ति जो है वो कुर्क की जा रही है। यहाँ पे अभी हम लोग गाजीपुर में स्थित एक जमीन पे हम लोग 14(1) की कार्रवाई के लिए आज आए हैं। 2 हमारी टीमें जो है वो लखनऊ में लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, देवरिया से है, 1 करोड़ खाद्यान्न घोटाले का मामला सामने आ रहा है देवरिया से। जी हाँ, जांच के बाद मार्केटिंग अफसर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 28 जुलाई को निरीक्षण के बाद इस बात का शक हुआ था, गोदाम से करीब 1 करोड़ का माल गायब था, गोदाम से 10,000 बोरियां गायब मिली थी और जांच के बाद मार्केटिंग अफसर पर कार्रवाई की गई है। 28 जुलाई को निरीक्षण के बाद यह सब हुआ, 1 करोड़ का माल गोदाम से गायब था। देवरिया से बड़ी खबर,
कि शासन के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है सीधे एफसीआई के गोदामों से कोटेदारों के यहाँ, तो इसी क्रम में शासन के भी निर्देश थे कि जो गोदाम हमारे अब प्रयोग में नहीं आ रहे हैं उनका सत्यापन करा लिया जाए। इसी क्रम में एक टीम जिला स्तर पर बनाई गई थी, उस टीम में एसडीएम और डीएसओ डिप्टी आरएमओ वगैरह थे। उस टीम के सत्यापन में ये पाया गया कि जो वहाँ के प्रभारी थे उन्होंने करीब मौके पर 10,000 बोरे मौके पर कम हैं, जो करीब 5,000 क्विंटल खाद्यान्न होता है, इसका संज्ञान लेकर हम लोगों ने 3/7 में और अन्य धाराओं में उनके जो राहुल सिंह हैं जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया। एक बड़ी खबर मिल रही है, मंत्रियों के मंडलों के प्रभार में फेरबदल करने की खबर आ रही है। सीएम योगी ने मंडलों के प्रभार में फेरबदल कर दिया है। मंडल के प्रभार में तीसरी बार बदलाव किया गया है। 3 मंत्रियों को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना, दानिश अंसारी को जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश खटीक को भी गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। 3 मंत्रियों को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी। ऐसे ही स्वतंत्र देव सिंह को वाराणसी मंडल का प्रभार दिया गया है। संदीप सिंह, संजीव गोंड को भी वाराणसी का प्रभार दिया गया है, वाराणसी मंडल का। डॉक्टर संजय निषाद को झांसी मंडल का प्रभार दिया गया है। जितिन प्रसाद को लखनऊ मंडल का प्रभार दिया गया है और नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मेरठ मंडल का प्रभार दिया गया है। नरेंद्र कश्यप, ब्रजेश सिंह को भी मेरठ मंडल का प्रभार दिया गया है नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ। तीसरी बार ये प्रभार का फेरबदल, मंत्रियों के प्रभार वाले जो मंडल है उनका फेरबदल किया गया है, मंडलों के प्रभार में फेरबदल किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 3 मंत्रियों को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी, 3 मंत्रियों को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी, गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी दानिश अंसारी के पास, सुरेश खन्ना के पास और दिनेश खटीक के पास। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां की झारचा कोतवाली क्षेत्र के ततारपुर गांव में कुछ युवकों ने एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ भी की। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए आप, एक दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर हमला बोल दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में 18 नामजद सहित 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज की जा रही है। लेकिन पूरे मामले में पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। आरोप है कि अगर एनटीपीसी चौकी इंचार्ज वक्त रहते कार्रवाई कर देते तो इतना बड़ा बवाल ना होता। अगली खबर रामपुर से है, यहां पर बाइक सवार कांवड़ियों की ही ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा हुआ मिलक थाना इलाके के खाता चिंतामन गांव के पास धमौरा बॉर्डर पर, और बताया यह जा रहा है कि बाइक सवार कांवड़िया ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक कर डाक कांवड़ बदलते समय ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इस हादसे से गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा और इससे ट्रॉली के साथ साथ उस पर लगा डीजे भी जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया। श्रद्धालु कांवड़िया अपना हरिद्वार से कांवड़ लेके जा रहे थे, तो डाक कांवड़ लेके चलते हैं, उनके पीछे ट्रैक्टर में भी कांवड़िया ही थे, तो डाक कांवड़ होती है उसको बदलने के चक्कर में ट्रैक्टर से टक्कर लग गई और दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई। और क्योंकि उसमें 8 बाइक वाले थे और मैच थी उनकी, तो लोग उत्तेजित हो गए और जो पीछे ट्रैक्टर था जिसमें भी कांवड़िया ही थे, गाने बज रहे थे, उस पर आग लगाने का प्रयास किया गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसको मना कर दिया गया, उसकी डेड बॉडी को थाने में जो अस्पताल भेज दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।